नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज टीवी। प्रस्तुत है समाचार। ढोरकी से मुनीर खान की रिपोर्ट। ढोरकी पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा ने ढोरकी थाने का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी ने रविवार को सुबह 10 बजे थाना परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले थाना प्रभारी के कक्ष में बैठकर ढोरकी थाना से संबंधित विभिन्न मामलों के अलावे अपराध नियंत्रण, फरार अभियुक्त एवं सभी मुकदमों को त्वरित अनुसंधान करने का निर्देश थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार को दिया है। एसपी ने कहा कि गढ़वा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सभी थाने के पुलिस का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखने के लिए गढ़वा पुलिस सदैव तत्पर है और रहेगी। किसी की अपडेटेड की कार्रवाई से या किसी की यदि ज़्यादा खतरनाक हो किसी से।